थी प्रदेश में, उसको अवेल्युएट करते हुए जैसा मैंने पहले ही बताया था कि प्रदेश सरकार जो है माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में डेली सिचुएशन को हम डे टू डे बेसिस पर रिव्यू करते हैं और अपना रिस्पांस जो है वो डेली हम उसको डिवाइस करते हैं अकॉर्डिंग टू इमर्जिंग सिनेरियो। सो जैसी सिचुएशन अनफोल्ड होती है उसके हिसाब से हम सारी सिचुएशन को रीडिजाइन करते हैं, उसको रिवर करते हैं और डेली हम उसको आवश्यक एडवाइजरी जारी करते हैं, आवश्यक स्टेप्स लेते हैं इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग मैन एंड इक्विपमेंट्स। तो उसी कंटिन्यूएशन में आज मैं बताना चाहूँगा कि कल हमारे लगभग 12 जो सैंपल हैं नए टेस्ट को भेजे गए थे IGMC और टांडा में, तो 12 के 12 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो ये रिपोर्ट अभी आई है जो थोड़ी देर पहले प्राप्त हुई है, तो 12 के 12 के सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इस वक्त हमारे पास कुल प्रदेश में जो केसेस अंडर सर्वेलेंस आज तक रखे गए वो 1030 सैंपल रखे गए, सॉरी 1030 लोग सर्वेलेंस में हैं। कुल मिला के उनमें से 28 दिन पूरे करने वाले लोग 387 हैं। जो टेस्ट अभी तक हुए वो मैंने आपको बताया 14 और 12 छब्बी लोग टेस्ट हुए हैं, 26 में से 24 नेगेटिव आए हैं, 2 पॉजिटिव आए हैं। अभी कुछ लोग कुछ स्टेट से बाहर चले गए हैं, 115 लोग, और सर्वेलेंस में 515 लोग हैं अभी स्टेट में। आज प्रदेश सरकार ने और भी ऑर्डर जारी किए हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, उनको कहा गया है कि टीचर्स का आना जरूरी नहीं होगा। जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है उनका काम के मुताबिक दफ्तर आना जरूरी है, ये आदेश भी सरकार ने किए हैं। और फिलहाल एग्जामिनेशन को भी डेफर कर दिया गया, रिजल्ट की एग्जामिनेशन शीट की इवेल्यूशन के काम को भी डेफर कर दिया गया। बिजली बोर्ड के बिलों के बारे में फील्ड से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि हर जगह लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और पानी के बिलों के बारे में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये फैसला सरकार ने किया है कि बिजली के बिल जो है 15 अप्रैल तक बिना पेनल्टी के, बिना किसी फीस के वो उसके तब तक ये डेफर किए जाएंगे उनका डिपॉजिट करने का समय। और पानी के बिलों के लिए टिल फर्दर ऑर्डर सारे काउंटर क्लोज किए जा रहे हैं इसके पानी के बिलों के जो पेमेंट रिसीव करने के लिए। आज हमने और भी कुछ ऑर्डर किए हैं, जो हेयर कटिंग सैलून्स हैं, ब्यूटी पार्लर्स हैं, क्लब्स हैं, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेज हैं, गोल्फ कोर्सेज हैं, ऐसी जितनी भी अभी कुछ शॉप्स जहां लोग इकट्ठे होने का भय था उनको भी आज बैन किया है कि बंद रहेंगे वो। आज हम ये भी सरकार में निर्णय हुआ है कि सभी कार्यालयों में Class 3 और Class 4 एम्प्लॉइज को डेली अटेंडेंस 50% तक होगी, और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो है कंट्रोलिंग अफसर जो है वो काम को स्थिति को देखते हुए Class 3 और Class 4 एम्प्लॉइज की स्टैगरिंग करेगा, डे बाई स्टैगरिंग करेगा, और दफ्तर आने में जो समय है उसको भी स्टैगर करेगा ताकि बीच में क्राउडिंग किसी भी पॉइंट में ना हो। कुछ लोग 10 बजे आएंगे वो 5 बजे जाएंगे, कुछ 10:30 आएंगे वो 5:30 जाएंगे, तो इस टाइप की व्यवस्था कंट्रोलिंग अफसर अपने लेवल पे करेंगे। और जो लोग घर में रहेंगे वो रहेंगे मौजूद स्टेशन पे, आवश्यकता पड़ने पर वो ई ऑफिस या अन्य IT उपकरणों के माध्यम से जो जरूरी काम होगा उसको घर से निपटाएंगे। इसके अलावा फैक्ट्रीज के केस में भी प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि उनको भी उचित आदेश आज दिए जाएंगे, उसकी भी हम शाम तक आपको ऑर्डर्स की कॉपी हम सब आपको अप्रोप्रिएट माध्यम से आप तक पहुंचा देंगे। हमने आज ये भी निर्णय लिया क्या है कि जहां पे हमारे 3 जो मेजर कॉलेजेस हैं, जहां पे आपको इस बात का पहले ज्ञान है कि 3 कॉलेज में कन्फर्म केसेस के लिए हमने फैसिलिटी तैयार की है IGMC के लिए, IGMC में टांडा और नेरचौक मेडिकल कॉलेज में। इन 3 कॉलेज में इस बात को देखते हुए कि किसी किस्म का ज़्यादा लोड फैसिलिटी में ना पड़े, हमने पहले भी ऑर्डर किए थे कि केवल इमरजेंसी प्रोसीजर किए जाएंगे, इलेक्टिव सर्जरी एक्सेट्रा सारे प्रोसीजर पोस्टपोन किए जाएंगे, लोग अपने आप छोटी मोटी कफ कोल्ड के लिए बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन में विजिट ना करें, किंतु अभी तक भी ये देखा गया कि OPD का नंबर अभी भी काफ़ी था। तो हॉस्पिटल में 3 में ज़्यादा क्राउडिंग को देखते हुए हमने निर्णय लिया कि ऑल OPDs विल स्टैंड क्लोज्ड 23rd से, और बाकी जो इमरजेंसी में जो प्रोसीजर हैं, हाँ, इन 3 में केवल टिल फर्दर ऑर्डर्स
उसमें अवेलुएट करेंगे, जैसे हम आपसे रोज इंटरेक्ट करते हैं, जैसे भी सिचुएशन आगे अनफोल्ड होगी उसके हिसाब से फर्दर निर्णय करेंगे। एक हमारा जो टेस्टिंग प्रोटोकॉल है जो भारत सरकार और ICMR तय करता है, उसमें जो व्यवस्था थी उसमें भी बदलाव आया है। तो अभी तक ये व्यवस्था थी कि जो इंटरनेशनल ट्रैवल वाले लोग हमारे प्रदेश में आते थे और सिम्टोमेटिक हो जाते थे, उनका टेस्ट जो है करना बहुत जरूरी था, एक मेन था जो गाइडिंग प्रिंसिपल था, और उनके कॉन्टेक्स्ट का जब सिम्टोमेटिक होते तब करना जरूरी था। तो अब ये व्यवस्था थोड़ी बदली है, अब ये व्यवस्था होगी कि एक तो ऐसे सारे पेशेंट जो इंटरनेशनल ट्रैवल किया हो और जिनको अभी 28 दिन में किया हो पिछले और वो सिम्टोमेटिक हो जाते हैं तो उनका टेस्ट करेंगे, सिम्टम होंगे तभी, अदरवाइज तो आपको पता होम क्वारंटाइन में होंगे या वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में होंगे, तो अगर वो सिम्टम आते हैं तो उनको टेस्ट करेंगे। दूसरा जो उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स वो सिम्टोमेटिक होते हैं तो उनको भी टेस्ट करेंगे, और तीसरी बात जो असिम्टोमेटिक कॉन्टैक्ट्स भी होंगे क्लासिफाइड क्लोज कॉन्टैक्ट उनको भी हम बिना सिम्टम के भी टेस्ट करेंगे, और चौथी बात जो विभिन्न हॉस्पिटल्स में सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के पेशेंट एडमिटेड होंगे, सारी उसको बोलते, उनको भी टेस्ट करेंगे। हाँ जी, जहाँ पे सीवियरली ब्रीदिंग इश्यूज हो, रेस्पिरेटरी इश्यूज हो, उन केसेस को जो एडमिटेड हो हॉस्पिटल में उसको भी टेस्ट करेंगे। तो कल से हमारी जो टेस्टिंग व्यवस्था है उसमें मतलब पर्याप्त वर्कलोड आएगा, अभी तक तो उसमें कम वर्कलोड था क्योंकि उसका प्रोटोकॉल डिफरेंट था टेस्टिंग का, तो इससे ये व्यवस्था आज बदली है लगभग। और कोई आपका कोई फर्दर कोई क्लैरिफिकेशन या स्पष्टीकरण हो तो बात कर लेते हैं।